पार्ट्स कहाँ गया? 3.19, हाँ 3.19 में क्वेश्चन नंबर 5 के तीनों पार्ट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, थीटा बाय टेन थीटा, कॉस थीटा बाय थीटा ना? यस सर। हाँ समझ गया बेटे। थीटा बाय टेन थीटा का डिफरेंशिएशन करना है, टी बाय डी थीटा ऑफ थीटा बाय टेन थीटा। तो क्या करना है भाई इसमें, इसमें सीधी सी लॉजिकल बात है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो वाई वन बाई वाई टू पहला फंक्शन थीटा हो गया, थीटा के टर्म में करना है, ठीक है। एक्स कोई जरूरी नहीं है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन एक्स के टर्म में की बजाय थीटा के टर्म में होने वाला है। तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू टी बाई डी थीटा ऑफ थीटा माइनस थीटा टाइम्स डी बाई डी थीटा ऑफ टेन थीटा अपॉन टेन थीटा का स्क्वायर। आगे तो सॉल्व कर ही लोगे, है कि नहीं? डी बाई डी थीटा ऑफ नेक्स्ट वाला कॉस थीटा अपॉन थीटा प्लस साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, थीटा प्लस साइन थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। थर्ड वाला डी बाई डी थीटा ऑफ टेन थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस सेक थीटा। इसको सिंप्लीफाई करना हो तो आगे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ माइनस दो फंक्शन का डिवीजन है, डन। दलिशा? यस सर, थैंक यू सर। थीटा के टर्म में। नेक्स्ट और कोई बताइए डाउट सर। 3.11 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 और 19। ठीक ठीक, 3.11 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 एंड 19। 16 कहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। आप देखो घुमा के पूछ लिया, तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू 1। देख के लग रहा है डी वाई कट जाएगा, डी एक्स डी एक्स कट जाएगा, इक्वल टू 1 ही आने वाला है, लेकिन हमको प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ 9, जो कि 0 ही आने वाला है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस, अब दूसरे वेरिएबल के टर्म में करेंगे तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस एक्स बाई वाई। सिमिलरली डी वाई डी वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर डी बाई डी वाई इज ऑफ 9। 9 का को 0 होने वाला है, तो यहां से निकल गया डी एक्स बाई डी वाई, सॉल्व कर लोगे तो वही आ जाएगा माइनस वाई बाई एक्स। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1। तो मैंने डिफरेंशिएट किया। तुमको थोड़ा डाउट हो रहा है इस वाले में, तो फंक्शन का स्क्वायर वाई का स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो y एक फंक्शन है उस फंक्शन का स्क्वायर दे रखा है, तो स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और फिर अंदर जाएंगे तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई हो जाएगा चेन रूल के अकॉर्डिंग, डन। एक्स स्क्वायर का तो 2x ही होने वाला। सिमिलरली दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ गया 1। 16 के बाद कौन सा बताया था, 19 सर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें डराने के लिए बोल देता है y इज इक्वल टू 16
एंड एक्स इज इक्वल टू 90 स्क्वायर। इस टाइप की प्रॉब्लम मैंने बताई थी, मुझे मालूम था कि आप लोग जरूर पूछेंगे, तो बस इसमें कुछ नहीं है। अगर मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना हो तो मैं लिख सकता हूं डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, मतलब y का, इसको पैरामीट्रिक इक्वेशन बोलते हैं, मैथ्स में पढ़ेंगे आप। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने का तरीका है डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। क्लियर हुआ ये? तो डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी, मुझे मालूम है डी वाई बाई डी टी कितना है 6, और डी वाई डी एक्स बाई डी टी कितना आ जाएगा 18t, दैट इक्वल्स टू 1/3t, आंसर इज 1/3t। ठीक है, लेकिन उस आंसर से मैच नहीं कर रहा था ये वाला, पर आंसर में तो 3t दे रखा। हाँ, आंसर में कहा है 19th में आंसर दे रखा है, -1/2t आना चाहिए। क्या दे रखा है? हाँ, गलत दे रखा है बेटा आंसर, 18th का ये हो गया। हाँ ठीक है ना, 19th का आंसर आएगा, dy by dx पूछ रहा है ना, dy by dx हो जाएगा 6/18t, नहीं ठीक है बेटे, ठीक है ना, यही आएगा आंसर, 1/3t आएगा। डन, करेक्ट कर लीजिए इसका आंसर, 19 का आंसर आएगा 1/3t। चलो और बताओ, किसी और का कोई डाउट तो आगे बढ़े फिर हम लोग। सर क्वेश्चन नंबर 9 एक बार सर विजिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 किस में? इसी में 3.11 एक्सरसाइज में, ये क्वेश्चन नंबर 9। सर बस क्वेश्चन बता दो क्या लिखा है, विजिबल नहीं था सर मोबाइल पे। यही ना 3.11 वाला ना? यस सर। देखो 9x³ है, 9x³ माइनस 8x प्लस 7 इंटू 3x के पावर 5 प्लस 5, ठीक है सर। सर एक बार क्वेश्चन नंबर 21 भी दिखा दीजिए। 21, द एरिया ए ऑफ ए बोल्ट ऑफ लिंक इज ग्रोइंग सच दैट आफ्टर टी सेकेंड ए इज इक्वल टू दिस। तो ए इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एरिया रिंग का बढ़ता चला जा रहा है इस टाइम के फंक्शन के साथ। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया आफ्टर 5 सेकेंड। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया मतलब एरिया का डी ए बाई डी टी की वैल्यू निकालनी है टी इज इक्वल टू 5 पे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटे, और बताइए क्वेश्चन नंबर 22 कौन पूछ रहा है? धीरज पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है देखिए, द एरिया ऑफ ए सर्कल इज गिवन बाई ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर वेयर आर इज द रेडियस, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया विथ रेडियस, ठीक है। तो डी ए बाई डी आर निकालना है बेटे, पाई इज कॉन्स्टेंट, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो डी ए बाई डी आर की वैल्यू कितनी आएगी? डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू 2πr, तो आंसर विल बी 2πr। डिफरेंशिएट कर दिया आर स्क्वायर का, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r होता है, तो डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू 2πr, got it? ठीक है, next. और कोई डाउट? किसी और क्वेश्चन में कोई डाउट बता लीजिए, पूछ लीजिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आज बात करेंगे इंटीग्रेशन की, डिफरेंशिएशन और उसके टूल्स हमने डिस्कस कर लिए, ग्राफ भी देख लिए, उनके स्लोप भी चेकआउट कर लिए, अब हमारी बारी है इंटीग्रेशन की। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, हालांकि ये बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर है मैथ्स के हिसाब से, लेकिन हमें अपने काम की चीज देखनी है, तो हम पूरा इंटीग्रेशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम पूरा इंटीग्रेशन पढ़ भी नहीं सकते, अभी स्टार्टिंग का टाइम है, उसमें बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन हम अपने फिजिक्स के काम की चीज और कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन है क्या? समटाइम्स आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं, आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन कैसे डिफाइन किया गया अभी तक आपके 10th के लेवल पे? आपने सिंपल तरीके से वर्क डन डिफाइन किया है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का और वो चल रहा है 10 मीटर, तो वर्क डन हो गया 20 × 10, 200 जूल, डन। लेकिन अब मैंने क्या कहा, मान लीजिए जैसे आपने स्प्रिंग देखी है, आप स्प्रिंग को पकड़ के खींचिए, तो शुरुआत में जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में होती है तो नेचुरल लेंथ पे फोर्स की वैल्यू जीरो होती है,
लेकिन जैसे जैसे आप स्प्रिंग को इलांगेट करते जाते हैं उस समय फोर्स की वैल्यू क्या होती जाती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आती रहती है। तो अगर आपने उस स्प्रिंग को खींचना शुरू किया तो आपको शुरू में कम फोर्स लगाना पड़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे स्प्रिंग इलांगेट होती जा रही है वैसे वैसे आपको फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जानी पड़ रही है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप कर दे कि आपके इस वेरिएबल फोर्स का, ही फोर्स कांस्टेंट नहीं लगाया आपने, आपके इस वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कितना होगा। लेट स्प्रिंग 10 सेंटीमीटर चली, आपने स्प्रिंग को 10 सेंटीमीटर इलांगेट किया तो उसके दौरान आपने कितना काम किया, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा। तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि भाई फोर्स तो अलग अलग टाइम पे या अलग अलग पोजिशन पे अलग अलग आ रहा था, तो वर्क डन विल बी कैलकुलेटेड एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो निकालना बड़ा मुश्किल हो गया। इन्होंने कहा नहीं देखो ऐसे नहीं निकालेंगे, इसको निकालने का तरीका मैथ देती है। क्या देती है, कहती है छोटे छोटे इंटरवल्स में आपने निकाला, आपको निकालना नहीं छोटे छोटे इंटरवल्स में, लेकिन वो एक्सप्लेन करने के लिए आपसे कहता है कि आप मान लीजिए आर डिस्टेंस चलते हैं, तो चूंकि फोर्स की वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग आ रही है, तो आप एक छोटे से इंटरवल में पहले वर्क डन निकाल लें। आप छोटा सा इंटरवल लेते हैं dr का, जनरल पोजीशन से छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dr का लेते हैं, इसमें छोटा सा वर्क डन स्मॉल वर्क डन dw निकालते हैं, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस वक्त फोर्स की वैल्यू कितनी है और इस वक्त इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो छोटा सा वर्क डन dw इज इक्वल टू f डॉट dr करके, मतलब सिंपल तरीके से अभी हम बाद में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, f dr करके निकाल लिया। तो वर्क डन विल बी टोटल वर्क डन, निकालने का तरीका हो गया एफ डी आर का इंटीग्रेशन। ये निकला कैसे, एफ डेल्टा आर का समेशन, अगर छोटे छोटे एफ डेल्टा आर का समेशन निकाले तो ये हो जाएगा डब्ल्यू नेट, लेकिन इसको मैथ्स ने एक टूल बना दिया सिंबल एफ डी आर, इसको नाम दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ वाई विथ एक्स। ठीक, कैसे इसको और दूसरे मैथमेटिकल तरीके से कैसे एक्सप्लेन किया इसने, ग्राफिकल तरीके से मैथमेटिकल तरीके से, कहता है आप गए जनरल एक्स और वाई पे, आप जनरल पोजीशन एक्स पे गए, जनरल पोजीशन वाई पे गए, अब आपसे कह रहा है प्लीज कैलकुलेट एरिया, आपको एरिया कैलकुलेट करना है। ये आपने ले लिया dx, तो अगर आपसे कहे इसका एरिया निकालिए तो हम कह सकते हैं एरिया इज इक्वल टू y dx प्लस dy इंटू डी एक्स बाई टू। अगर मैं इस पूरे के पूरे स्लोप इसके अंदर का एरिया निकालूं तो इतना आएगा, चूंकि dy एंड dx स्मॉल है तो dy इंटू डी एक्स को हम नेग्लेक्ट कर देंगे बाई 0.001 इंटू 0.001 से मल्टीप्लाई करो तो बहुत छोटी क्वांटिटी हो जाएगी, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, और क्योंकि हमको मालूम है dx इज वेरी वेरी स्मॉल, नियरली x के पास ही है, तो हम देखेंगे ये एरिया आके निकल आएगा एरिया इज इक्वल टू y dx एंड टोटल एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx। इंटीग्रेशन क्या है, सिंबल, ये इंटीग्रेशन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये सिंबोलिज्म है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन में आप रेट कैलकुलेट कर रहे थे, इंटीग्रेशन में आप समेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, किसी भी वेरिएबल क्वांटिटी का सम दूसरी वेरिएबल क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन के साथ अगर निकालना है तो उसको निकालने का तरीका मैथ्स ने दिया हमें, दैट इज इंटीग्रेशन समेशन, सम अप करना, एड करना, कुछ दो फिजिकल क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन सम अप करके निकालना हो, अगर उनमें से कोई एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है और वेरिएबल है
तो जब वेरिएबल क्वांटिटीज का समअप निकालना होता है तो उसके लिए मैथ्स ने एक टूल दिया डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन। एक्चुअली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों रेसिप्रोकल एक तरीके से हैं, दोनों वाइस वर्सा हैं। डिफरेंशिएशन में आप रेट कैलकुलेट करते हैं, रेट इज नथिंग बट चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड वॉट इज इंटीग्रेशन, समेशन ऑफ वाई ऑन द एक्स। मतलब आप एक को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं और दूसरे को इंटीग्रेट करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि डिफरेंशिएट मतलब टुकड़ों में तोड़ना, छोटे 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 पार्ट्स में तोड़ना, और इंटीग्रेट करने का मतलब वापस समअप करना। तो अगर मैं किसी चीज को डिफरेंशिएट करके वापस इंटीग्रेट करूँ तो मुझे सेम क्वांटिटी मिल जाएगी। मतलब अगर मुझे मान लो कोई एक बॉडी दे रखी है, उसको मैंने डिफरेंट 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 पार्ट्स में तोड़ दिया, तोड़ने के बाद मैंने उनको वापस इंटीग्रेट कर दिया, तो वापस में वही जोड़ने वाली कंडीशन, तो यानी टोटली बॉडी का जो पहला कंस्ट्रक्शन था वही कंस्ट्रक्शन बाद में अप्लाई हो गया। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल के तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं। एग्जैक्टली ये नहीं बोलेंगे इंटीग्रेशन इज इक्वल टू वन अपॉन डिफरेंशिएशन, ऐसे नहीं बोलेंगे। लेकिन हम अगर सिम्बोलिज्म के तरीके से देखें कि अगर एक बॉडी को डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट करें या इंटीग्रेट करके डिफरेंशिएट करें, हमें सिमिलर पैटर्न मिलने वाला है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है, तो इसका मतलब क्या है ये पहले आपको समझना चाहिए था। इंटीग्रेशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का समअप दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के ओवर निकाला जाए तो उसको निकालने का तरीका मैथ्स ने दिया इंटीग्रेशन। इसका सिंबोलिज्म हमेशा ये रहने वाला है, और y dx ये दोनों क्वांटिटीज हमेशा साथ रहने वाली है, dt फंक्शन dr किसी के साथ भी ये निकल सकता है। तो इंटीग्रेशन का मतलब हो गया इस फिजिकल क्वांटिटी का x के साथ समेशन कैलकुलेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू t, इंटीग्रेशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू r। तो इंटीग्रेट करने का मतलब हो गया कि आप बॉडीज को समअप निकाल रहे हैं, और अगर फिजिकली बात करें तो एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx, इसको याद रखना है। ठीक, ग्राफिकली इसका सिंबोलिज्म होगा किसी भी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व निकालना है, मतलब उसके अंदर नीचे का एरिया अगर कैलकुलेट करना है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और मैथमेटिकली आगे बढ़े बेटे, सर ये ग्राफ वाला एक बार दोबारा समझा दीजिएगा। हाँ बताता हूँ बेटे, निकालने का तरीका नहीं है, बस आपसे कहा गया कि मुझे मान लीजिए इस एक कर्व के नीचे का एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, मुझे इस पूरे कर्व के नीचे का एरिया कैलकुलेट करना है। तो अब एरिया कैलकुलेट करने का मतलब तो बड़ा झंझट काम, अगर स्ट्रेट लाइन है तो डायरेक्ट निकाल लें, स्ट्रेट लाइन में तो आपके लिए सिंपल कंडीशन है कि सीधे एरिया हाइट बेस अपॉन बाई टू कर लिया, रेक्टेंगल दे रखा है तो भी निकाल लिया आपने। लेकिन प्रॉब्लम है जनरल कर्व, यानी एक कोई भी कर्व दे रखा है, कोई भी फंक्शन दे रखा है, उसका एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाए, और निकालना पड़ेगा, निकालना क्यों पड़ेगा, मैंने आपको एग्जांपल वर्क डन के तौर पे समझाया। तो मुझे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे कि मुझे निकालना पड़ेगा। जैसे मुझे कहे कि डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस कैलकुलेट करने का मतलब क्या है, स्पीड इनटू टाइम आपके हिसाब से, फिर सिंपल तरीके से अगर बात की जाए। लेकिन अगर एक्चुअली देखा जाए कि आप अपनी स्कूटी को स्टार्ट करके स्पीड धीरे 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 इंक्रीज करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं, तब आप डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, सीधे स्पीड इनटू टाइम कर देंगे? नहीं नहीं, तब आप डायरेक्ट नहीं अप्लाई कर सकते, तब आपको करना पड़ेगा छोटे छोटे इंटरवल्स को आपको एज्यूम करना पड़ेगा, छोटे छोटे इंटरवल्स में आप छोटे छोटे डिस्टेंसेस कैलकुलेट करेंगे, यानी छोटा सा डिस्टेंस डीएस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अगर मैं कहूं छोटा सा एरिया, ये dx अगर डिस्टेंस है तो ये एरिया इसके अंदर का आया dy into dx, सॉरी ये पूरा रेक्टेंगल का एरिया कितना आया y into dx, ठीक, और छोटे से इस ट्रायंगल का एरिया कितना आया, ये dy है, ये dx है, dy into dx by 2। हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्यों, बहुत छोटी क्वांटिटी into बहुत छोटी क्वांटिटी इज नेग्लेजिबल। y dx के कंपैरिजन में dy by dx को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं y dx। ठीक है, तो अब मैंने कहा कि मुझे छोटा सा एरिया मिला y dx, तो टोटल एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, समेशन का साइन डालना पड़ेगा। समेशन कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ y dx इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ dx, ये क्या है, एरिया। डन,
सर ठीक है, तो ये एक सिंबॉलिज्म है, हमको आगे इसको यूज करना है, हमको इंटीग्रेशन निकालना सीख लेना है, और आगे चल के हमको एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए हमको इस फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने ग्राफ में स्लोप यूज किया था वैसे यहाँ इंटीग्रेशन यूज करेंगे। अब हम इसके कुछ फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले देखते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। हालांकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन हम सिंप्लीफाई तरीके से कुछ कुछ चीजों पर ध्यान देंगे, बहुत डिटेलिंग में जाएंगे और धीरे धीरे इसको सीखते चलेंगे। चलिए देखते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है, इसको मैंने एफ एक्स नाम दे दिया। सबसे पहला एक्स के पावर एन दे रखा है, जहां एन नॉट इक्वल टू माइनस वन है, मतलब वन अपॉन एक्स को नहीं ले सकते, वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स होता है, उसके लिए बाद बात करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एन डीएक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट एक टर्म ऐड कर दिया। कॉन्स्टेंट को ऐड करने के पीछे क्या वजह है, जब तक आपको रेंज नहीं मालूम है, आप इंटीग्रेशन के लिए बात कर चुके हैं सम अप करना है, लेकिन सम अप करने के लिए आपको उसने बताया नहीं, इसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बताया जाएगा कि सम अप करने के लिए उसने बताया नहीं कहां से कहां तक सम अप करना है, तो उस केस में प्रॉब्लम ये अराइज होगी कि भाई किस वैल्यू से किस वैल्यू तक, तो उसके लिए इसको नाम दिया गया इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, और एक एरर को दूर करने के लिए प्लस कॉन्स्टेंट सी वर्ड यूज कर लिया गया। इस कॉन्स्टेंट की कोई वैल्यू वैल्यू नहीं है, बस जस्ट प्लस सी। मैथ एरर को सॉल्वेबल करने के लिए सी की वैल्यू लिख देती है। आगे चल के हम इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट वाइज पुट करेंगे कि एक्स बराबर वन से एक्स बराबर फोर तक निकालिए, ठीक है, लेकिन अभी जनरली फॉर्मूला जब बनेगा तो प्लस कॉन्स्टेंट हर फॉर्मूले के साथ ऐड होगा, ये याद रखना है आपको, प्लस कॉन्स्टेंट आना ही आना है। क्यों? एक एरर को दूर करने के लिए, मतलब एक एरर को का सिंबल को ध्यान में रखते हुए हम एक प्लस कॉन्स्टेंट का टर्म ऐड कर देते हैं, जिससे कि जो हमारा फॉर्मूला बने वो करेक्ट फॉर्मूला बने, इसमें कोई प्रॉब्लम ना, क्योंकि हमको लिमिट तो पता ही नहीं कहां से कहां, वन से टू तक, थ्री से फाइव तक, सेवन से नाइन तक, इस तरीके से हमें कुछ आइडिया है नहीं। तो मैं कहूंगा कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, ये बहुत यूज होगा, बहुत, इंटीग्रेशन ऑफ डीआर, इंटीग्रेशन ऑफ डीटी, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, एक्स के पावर जीरो डीएक्स लिख सकते हैं, लिख दिया इसको, इसका आएगा एक्स के पावर जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट, दैट इज एक्स प्लस सी। हम कॉन्स्टेंट जनरली याद नहीं रखते हैं, लेकिन हाँ ये है कि इसको लिखना जरूरी है, हम सिंपल कई लैंग्वेज में लिख लेंगे एक्स है, इट इज ओनली एक्स, एक्स की पावर जीरो प्लस वन अपॉन, देखो अगर मैं लिखूं इंटीग्रेशन ऑफ डी आर, इट विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ dx बिकम x, c को भूल जाते हैं, ठीक है, c का मतलब बस एक एरर को दूर करने के लिए लिखा गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, तो इंटीग्रेशन ऑफ dr इज इक्वल टू, बताइए, r plus c, r plus c, इंटीग्रेशन ऑफ dr इज इक्वल टू r, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू s, इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू w, समझ में आ रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वर्क, क्लियर हो रहा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आर आर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस एस, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू डब्ल्यू, तो कोई भी फंक्शन ले ले, उसके लिए आपको डरना नहीं है कि आपको नहीं बस सर इसने इसमें तो यही लगा डी टी इज इक्वल टू टी। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, कॉन्स्टेंट साथ में एडेड है, जब बाद में हम लोग जब लिमिट लगाएंगे तो अपने आप के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस, सबको समझ में आ रहा ना, एक्स की पावर वन, एक्स की पावर वन का इंटीग्रेशन कितना आएगा, एक्स की पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आएगा, एक्स की पावर टू प्लस वन बाई थ्री प्लस कॉन्स्टेंट, इस सब सिमिलरली एक्स की पावर फोर डी एक्स, एक्स की पावर फाइव बाई फाइव प्लस कॉन्स्टेंट, मोस्टली यही यूज होगा।
ठीक है, मोस्टली हम लोग फिजिक्स में यही यूज करेंगे, कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स बनेंगे तो उनको हम अभी थोड़े प्रैक्टिस करेंगे तो देखने को मिलेगा। तो पहला फॉर्मूला याद रखना है, अच्छा y इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंट दे रखा है 4dx, तब खैर उसको बाद में हम फॉर्मूले के तौर पर सीधे मल्टीप्लीकेशन होगा तो वैसे ही ऐड हो जाएगा। cos x सॉरी sin x दे रखा है, अब देखिए आपको यहां से अपना आइडिया लगने लगेगा, उल्टा करें तो डिफरेंशिएट करें तो वापस वही फंक्शन मिलेगा, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे वापस यही मिल जाएगा, देख सकते हैं आप। sin x का इंटीग्रेशन होगा ठीक, कैसे आया आप समझना चाहे तो समझ भी सकते हैं, बहुत ज्यादा इश्यू नहीं है, आपको क्लियर हो सकता है। इसको डिफरेंशिएट करो, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स इंटू माइनस साइन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वापस यहीं पहुंच जाएंगे। अब मैं सारे फॉर्मूले फटाफट लिख देता हूँ, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन काफी यूजेबल है, एरर को दूर करने के लिए मैं साइन एक्स कॉस एक्स लिख रहा हूं, कॉस एक्स वन बाई एक्स, ये इंपॉर्टेंट, बाकी ये सब तो उल्टे ही चल रहे हैं। वन बाई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स काफी यूजेबल है, देखा था ना मैंने एन इक्वल टू माइनस वन को यहां से हटा दिया था, तो वन अपॉन एक्स के लिए अलग फॉर्मूला बनेगा, दैट इज लॉग ऑफ एक्स बेस ई प्लस कॉन्स्टेंट ई के पावर एक्स, ठीक है। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, इनको एज ए बेसिक फॉर्मूले ही हमको याद रखना है, और भी कुछ कुछ हम इसको यूज करेंगे फॉर्मूले के तौर पे। एक मिनट में थोड़ा सा एक चीज बताता हूँ, कहाँ गया वो, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटे। सर एक बार लास्ट वाला फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दो सर। हाँ मैं बता रहा हूँ, एक लॉग एक्स बेस ई, एक मिनट वही मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, लॉग एक्स बेस ई, लॉग ए बेस ई ना, हाँ इसको डिवीजन में लिखो ज्यादा बेटर रहेगा, ए के पावर एक्स लॉग, इसमें थोड़ा सा डाउट, लॉग ए बेस ई, ए के पावर एक्स डी एक्स
इज इक्वल टू ए के पावर एक्स इंटीग्रेशन अपॉन लॉग ए बेस ई, ऊपर लिखेंगे तो लॉग ई बेस ए लिख देंगे, मतलब लॉग ई बेस ए लिख देंगे, लेकिन मैं उसको लॉग ए बेस ई में लेके चलूंगा, क्योंकि आप लोग कंफ्यूजन ना क्रिएट करें ए के तौर पर. तो लॉग ए के पावर एक्स बाई लॉग ए बेस ई, डन. क्या है लॉग, हमने थोड़ा बहुत पहले डिस्कशन कर रखा है, हमने पहले डिस्कशन कर रखा है ए के पावर एक्स के बारे में. तो ये कुछ हमारे बेसिक फंक्शंस हैं, इनको हम यूज करेंगे. एक्स पावर एन वाला इंपॉर्टेंट है, वन बाई एक्स साइन एक्स कॉस एक्स तो इंपॉर्टेंट है ही, आप जानते ही हैं. ई के पावर एक्स, ये तीन चार फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट जो फिजिक्स यूज करेगी बार बार, ठीक है. एक्स पावर एन, कोसाइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, वन अपॉन एक्स का ln x, e के पावर x का e के पावर x. अब इसमें कुछ कुछ बेसिक रूल याद रख लेते हैं. इसमें मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वाले रूल नहीं बनेंगे, एडिशन वाला तो रूल बन जाएगा, कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करने वाला रूल भी बन जाएगा, लेकिन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वाला रूल नहीं बन पाएगा. जैसे इंटीग्रेशन ऑफ सी वाई डी एक्स कॉन्स्टेंट इंटू, तो कुछ नहीं होगा, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा जैसे पहले कर रहे थे. दो फंक्शंस हैं, ठीक है. मल्टीप्लीकेशन कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम फंक्शन आने वाला है, ठीक है. दो फंक्शंस को ऐड करेंगे तो y1 plus y2 minus x करके आएगा दोनों फंक्शन का. एक और इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ ax plus b है, dx है, बताया था ना ax plus b वाला, इसमें a से डिवीजन हो जाएगा. तो ये बनेगा f ऑफ ax plus b, जो हमने शुरुआत में बात की थी, fx बन रहा है फंक्शन, ठीक है, इंटू वन बाई ए, ये याद रखना है. तो ये तीन रूल हम इसको यूज करेंगे. कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई तो वही पुराना रूल चलेगा, कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई है तो कॉन्स्टेंट को एज ए मल्टीप्लीकेशन यूज करते रहिए. फंक्शन ऐड करने सब्ट्रैक्ट करने तो ऐड सब्ट्रैक्ट वैसे ही कर लिया. अगर फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी दे रखा है, फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी दे रखा है, तब आपको इंटीग्रेशन वैसे ही कर देना है, लेकिन मल्टीप्लायर इस केस में डिवाइड हो जाएगा. डिफरेंशिएशन के केस में मल्टीप्लायर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है ए एक्स प्लस बी वाले फंक्शन के तौर पे, और इंटीग्रेशन में मल्टीप्लायर विल बी डिवाइडेड, ठीक है. तो ये ए की वैल्यू को ध्यान रखना है, वहां पर डिफरेंशिएशन में हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ डिवाइड करेंगे. तो इन्हीं तीनों रूल को याद रखना है, और थोड़े बहुत रूल और भी हैं जैसे हम इसको यूज करेंगे आखिरी में. डिफरेंशिएशन विद डेफिनेट इंटीग्रेशन कुछ है, एक तो सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो दो तीन तरीके और हैं, उनको लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक हमारा काम इससे चल जाएगा. और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का कोई भी फॉर्मूला नहीं है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का कोई भी फॉर्मूला नहीं है, तो उसको ध्यान रखना है कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन नहीं चलेगा. एग्जांपल देखते हैं, कुछ कुछ करते हैं, फिर डेफिनेट पे आएंगे. कांस्टेंट का याद रखिएगा. एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ थ्री टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में कर दिया, एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं किया, किसके रिस्पेक्ट में कर दिया, टाइम के रिस्पेक्ट में. तो इसको ओपन कर लीजिए, टी स्क्वायर डी टी प्लस टू टी डी टी प्लस डी टी, ठीक है. तो थ्री टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई थ्री प्लस डी टी को, ये दोनों आपस में साथ में है, बस ये सिंबल है कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ठीक है, ध्यान रखिएगा. टी का टू इंटू टी स्क्वायर बाई टू प्लस डी टी का टी, तो आंसर हो गया, प्लस कॉन्स्टेंट भी ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस कॉन्स्टेंट, ये आ गई वैल्यू. अब मैंने आपसे जैसा कहा था कि इसको वापस डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यही मिल जाने वाला है, करके देख लीजिए. टी क्यूब का थ्री टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का टू टी, टी का वन, कॉन्स्टेंट का जीरो, ठीक.
क्या आ जाएगा, अलग अलग कर लिया साइन एक्स इंटीग्रेशन, माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, साइन एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स, ठीक है। जाके sec स्क्वायर x प्लस cosec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर का tan x, अब और डिटेल में लिखना चाहें तो लिख लीजिए dx प्लस ठीक है। तो अब थोड़ा सा अलग टाइप की प्रॉब्लम जो हम लोगों को यूज करनी है, क्या आएगा, x का मल्टीप्लायर 2 है बाय 2, गॉट इट। ठीक है, सर जो x का मल्टीप्लायर है वो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ फंक्शन बनेगा, यहाँ और कोई रूल नहीं चलेगा, चेन वेन रूल जो हम लोग पहले पढ़ रहे थे, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, दो फंक्शन का डिवीजन, स्क्वायर, ये वो सब कोई रूल नहीं चलेगा। यहाँ पर हमको सिंपल फंक्शन के तौर पे ही सॉल्व करना है, हम कोई साइन स्क्वायर एक्स का निकालना है मान लीजिए, तो कोई कहे स्क्वायर